अस्सलाम वालेकुम। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी फैसले हुए खुलफाए राशिदीन और सहाबा इकराम के, वो उनका इज्तिहाद था। यकीनन उनका इज्तिहाद बड़ी ठोस बुनियादों पर हुआ करता था। इस मामले में भी उनका इज्तिहाद, जो बात मुझे समझ में आती है, वो इस बुनियाद पर था कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सहाबा इकराम को दरमियान की उम्मत करार दिया, जिन पर अल्लाह के रसूल ने गवाही पेश की, इत्मामे हुज्जत किया, और उन्होंने आगे लोगों पर गवाही पेश की, इत्मामे हुज्जत किया। सो ये सहाबा इकराम की गवाही थी, जिसके बाद अगर कोई शख्स ईमान नहीं लाया तो वो जिज़िया देकर जीने का मुस्तहिक बना।